हेलो सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यार यहाँ पे जो शाओमी है उसने अपना K20 में अपडेट दे दिया, पर यहाँ पे पोको F1 जो है हमारा रेडमी नोट 7 प्रो उसमें अपडेट उसने क्यों नहीं दिया, जबकि पोको F1 का नाम जो है सबसे आगे था उसमें, जो उसमें सबसे पहले जो फेज़ थे उसमें 22 अक्टूबर से लेकर और 20 और 30 अक्टूबर तक जो फेज़ था उसमें सबसे पहले पोको F1 का नाम था। फिर भी यार यहाँ पे जो है K20 को अपडेट दे दिया और यहाँ पे पोको F1 को क्यों नहीं दिया अभी तक, और कब देगा, अगर आएगा अपडेट तो कब तक पोको F1 में यहाँ पे अपडेट आएगा, तो पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ आज, जो क्लियर हो चुकी है हर चीज़ से। तो यार वीडियो को देखते रहिएगा पूरा, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एक लाइक जरूर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो यार शाओमी ने क्लियरली कर दिया था कि यार 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में जो है अपडेट रोल आउट हो जाएंगे, पर यहाँ पे पोको F1 का नाम जो है सबसे ऊपर लिया था शाओमी ने, फिर भी यहाँ पे हमको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। यहाँ पे जो K20 है इसमें हमको अपडेट देखने को मिल गया, पर गाइज आपको क्या पता है K20 में जो अपडेट देखने को मिला है वो एकदम कचरा है, क्योंकि गाइज उसमें ना बहुत सारे जो बग्स हैं वो हमको यहाँ पे देखने को मिले। बाकी दोस्तों जो चीज़ हमें K20 में देखने को मिली है वो हमें शायद तक पोको F1 में नहीं देखने को मिलेगी, जैसे कि डायनेमिक लाइट्स वगैरह जो है नोटिफिकेशंस के लिए जो साइड में बेजल्स में जो लाइट जलती है वो टाइप हमको जो क्या है दोस्तों पोको F1 में नहीं देखने को मिलेगी। पर दोस्तों अभी जो है K20 में बहुत सारे बग्स हैं, तो ये जो कुछ प्रॉब्लम है तो यही चलते कुछ पोको F1 में अभी तक नहीं दे पाए। दोस्तों यहाँ पे जो पोको के हेड हैं तो ग्लोबल हेड हैं दोस्तों, ये पोको के डेवलपर भी हैं। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जो ट्वीट करके कहा है कि अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है, पर जो K20 में अपडेट आया था उसे लेकर पूरी शाओमी मतलब एकदम परेशान सी हुई पड़ी है, क्योंकि यार उसमें जो अपडेट आया हुआ था वो कुछ इस तरीके था कि अपडेट में यार बहुत सारे बग्स हमको देखने मिलते हैं, जैसे कि हम ब्लूटूथ ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद ब्लूटूथ को ऑफ कर देते हैं तो वहाँ ब्लूटूथ जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है बिना ऑन किए, जैसे कि आपने नहीं किया ऑन फिर भी वो ऑन हो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत सारे जो बग्स देखने को मिले हैं। तो इसलिए इन्होंने अभी बोला है कि जो अपडेट है वो हम बहुत जल्दी देने वाले थे, पर अब 1 सप्ताह का टाइम लग सकता है यहाँ पे अपडेट में पोको F1 के में। तो गाइस यहाँ पे हमको जो क्या है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, यार क्या फ़ायदा अगर हम जो बेकार वाला अपडेट है बीटा वाला जो है वो हम अगर ले लेते अभी तो क्या फ़ायदा, गाइस उसमें जो नॉर्मल वाला जो हमारा यहाँ पे MIUI 10 है तो यार उसमें भी बहुत सारे अभी प्रेजेंट में भी बहुत सारे बग हैं, तो यार क्या फ़ायदा अगर हम अभी जो बीटा वाला वर्जन है उसको हम अभी इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे बग्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऊपर जो बैटरी वगैरह है वो आधी आएगी इसमें देखने को नहीं मिलेगी पूरी वाली, क्योंकि नॉच के कारण जो प्रॉब्लम होती है उसमें वो सब हमको फेस करनी पड़ेगी। तो इस क्या फ़ायदा है अगर हम बीटा वाला जो है ले लेते अभी, क्योंकि उसमें हमको बहुत सारे बग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो नॉच वगैरह के सामने जो बैटरी वगैरह का इशू पहले आया था शुरू में वो वाले हमको यहाँ पे बग्स देखने को मिलते, तो बस अच्छी बात है ना यार, 1 सप्ताह का टाइम लगेगा, इतना टाइम वेट किया तो आप थोड़ा सा और कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको क्लियरली जो है अपडेट मिल जाएगा अच्छा वाला, जैसे कि K20 फेस कर रहा है ऐसे हमको अभी यहाँ पे नहीं फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ आपने भी यहाँ पे बहुत सारे नीचे कमेंट करके रख दिए थे, बहुत 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 सारे कमेंट आपने यहाँ पे कर दिए थे नीचे इनके जो ट्विटर हैंडल है उस पर, और पोको पे मतलब पूरा धमाल मचा के रख दिया पोको फैंस ने, तो यार गाइस बहुत ही अच्छी बात है। तो बस दोस्तों यही है एक छोटा सा अपडेट, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ यार, अगर आपको और भी अपडेट चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट पोको से रिलेटेड मैं लेता रहूँगा, क्योंकि मेरे भी यार चुल मची हुई है पोको का जो अपडेट आने वाला है MIUI 11 का उसके लिए, तो गाइस अपडेट में बने रहिए। और गाइस जैसे कि यार मेरे को जो वीडियो ये बहुत ही मजबूरी में बनानी पड़ी, क्योंकि यार यहाँ पे जो पोको फैंस है बहुत 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 सारे उन्होंने यहाँ पे नीचे कमेंट किए हुए थे, देखो दोस्तों पोको 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 रेडमी नोट 7 K20 पोको पोको बहुत सारे जो पोको फैंस है उन्होंने यहाँ पे मेरे को कमेंट किया हुआ था दोस्तों, देख सकते हो आप, तो ये सारे जो पोको फैंस है इन्होंने मेरे को कमेंट किया हुआ था दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ मैं आप सभी का रिप्लाई नहीं कर पाया, पर बहुत जल्दी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आज शाम तक। दोस्तों यही बात है मेन कि जो पोको F1 का जो अपडेट है वो इसीलिए लेट हो चुका है, या तो 1 सप्ते के अंदर अंदर 100% आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बग्स वगैरह हैं वहाँ पर अभी शाओमी जो है वो फिक्स करने लग रही है पोको की, क्योंकि यहाँ पे K20 के अंदर उन्होंने स्टेबल अपडेट जो दे दिया था उसमें उनको पहचान गई है कि यार बहुत सारे बग्स हैं तो उनको वो अभी सेट करने लग रही है, तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो उसका कोई टेंशन की बात है नहीं, कुछ टाइम थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको यहाँ पे अपडेट बहुत जल्दी मिलने वाला है, फिर वो चाहे शाओमी का पोको F1 हो या फिर नोट 7 प्रो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतने ही खत्म कर देते हैं, और आएंगे एक और अगली वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।